नमस्कार दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी के बाद टाकू की रख रखाव से संबंधित बहुत सारे सवाल मुझे अक्सर ही अपने कमेंट बॉक्स में मिलते रहते हैं। मैडम, मेरे टाकू में अभी तक दर्द बना हुआ है, 6 महीने हो गए अभी तक टाकू में कड़ापन रहता है, टाकू की जगह पे बहुत काला धब्बा पड़ गया है, इसको किस तरह से ठीक कर सकती हूँ, दर्द आखिर कब तक बना रहेगा, दर्द की तीव्रता तो बहुत अधिक है मैडम। बस आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के मद्देनजर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सामने एक बार फिर से आई हूँ। एक बार फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पोस्ट सी सेक्शन स्टिच केयर यानी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद टाकू की देखभाल कैसे करें, इस बाबत मैं एक वीडियो पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद वहां जाकर भी एक बार फिर से पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुतिज कॉर्नर। Wellness channel to help you stay healthy and stay happy. Now let's get started. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत किस प्रकार के दो टाके लगाए जाते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत आपके डॉक्टर यानी कि ऑपरेटिंग सर्जन या तो आपको घुलनशील यानी कि अब्सॉर्बेबल सूचस लगा सकते हैं या फिर अघुलनशील यानी कि नॉन अब्सॉर्बेबल सूचस लगा सकते हैं। जो अब्सॉर्बेबल सूचस लगाए जाते हैं उनमें स्टिच लाइन में किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं आता है और तकरीबन 6 महीने से 1 साल बाद तो आप अपने सिजेरियन डिलीवरी के निशान को ढूंढ भी नहीं पाएंगे कई बार। जी हाँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। और जो ये अब्सॉर्बेबल सूचस होते हैं इनमें मात्र स्टिच लाइन के दोनों कोनों पर एक एक गठान लगा दी जाती है और ये गठान जो होती है या तो यूं ही अपने आप झड़ जाती है या सिजेरियन ऑपरेशन के 8 दिन उपरांत ये डॉक्टर्स आपके दोनों गठानों को काट सकते हैं। अब हम जानते हैं नॉन अब्सॉर्बेबल सूचर्स यानी कि अघुलनशील टाकों के बारे में। जो ये नॉन अब्सॉर्बेबल सूचर्स होते हैं ये स्टिच लाइन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए जाते हैं और मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ये 8 से लेकर 12 टाके तक हो सकते हैं मोटे तौर पर ये जो सर्जन ऑपरेट कर रहे होते हैं ये उसी समय आपकी स्थिति देख कर ही डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाके लगाने चाहिए हैं। और जो ये नॉन अब्सॉर्बेबल सूचर्स होते हैं इनको आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं अगर सब स्थिति ठीक रहती तो तकरीबन ऑपरेशन के 8 दिन बाद ये एक एक टाके को निकाल देते हैं। तो अभी तक तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना समझा सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत दो टाकों के बारे में, अब्सॉर्बेबल सूचर्स एंड नॉन अब्सॉर्बेबल सूचर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी के बाद टाकू में आखिर दर्द कितने दिनों तक बना रह सकता है, इससे संबंधित वीडियोस मैं पहले भी अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ और उन वीडियोस के माध्यम से मैं आप सबको बार बार ये समझाती हूँ। एक डॉक्टर, एक गायनेकोलॉजिस्ट, साथ ही साथ एक माँ होने के मद्देनजर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सिजेरियन ऑपरेशन का दर्द होता है उसकी तीव्रता नॉर्मल डिलीवरी के दर्द के मुकाबले बहुत ही कम होती है और आपको अपने प्रेगनेंसी के 9 महीने के सफर के दौरान अपने आप को उस दर्द को सहने के लिए मानसिक तौर पर तैयार करके रखना चाहिए। अगर आप अपने आप को मानसिक तौर पर सुदृढ़ बना के रखेंगे, मानसिक तौर पर दर्द सहने के लिए तैयार करके रखेंगे तो दर्द तो फिर आपको सिजेरियन डिलीवरी का दर्द तो बहुत ही नाममात्र का लगेगा, जैसे मुझे अपने केस में लगा था। सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत आपको दर्द की तीव्रता अत्यधिक महसूस ना हो इसके लिए आपके डॉक्टर इंश्योर करते हैं कि ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और विशेष तौर पर ऑपरेशन के बाद आपको दर्द निवारक गोलियां इंजेक्शन बराबर मात्रा में दी जाए। साथ ही साथ अगर दर्द की तीव्रता कुछ अधिक समझ में आती है, पेशेंट अगर कुछ तकलीफ में समझ में आता है तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ होता उस रात को आपको नींद की गोली भी दी जाती है ताकि आपके दर्द की तीव्रता भी कम रहे और आप आराम से नींद ले सके ताकि अगले दिन आप फिर काफी कंफर्टेबल महसूस कर सके। और जैसे कि मैंने बताया था कि सिजेरियन ऑपरेशन की दर्द की तीव्रता नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले बहुत कम होती है और 24 घंटे बाद और कभी कभी तो 12 घंटे बाद भी, तो 12 से लेकर 24 घंटे बाद दर्द की तीव्रता बहुत ही कम हो जाती, नाम मात्र की रह जाती है। हाँ, आपकी दर्द निवारक इंजेक्शन और गोलियां अगले 5 से लेकर 10 दिन तक भी बराबर चलती रह सकती हैं और इस बारे में आपके डॉक्टर ही निर्णय लेते हैं। दर्द को लेकर अनावश्यक चिंताएं पालना, अनावश्यक डर पालना किसी भी तरह से बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। तो दर्द को लेकर तो आप काफी हद तक निश्चिंत रहे, फिर भी अगर आपको दर्द की तीव्रता अत्यधिक महसूस हो रही है तो इस बारे में अपने जो नर्सिंग स्टाफ होता है, अपने डॉक्टर्स होते हैं उनसे जरूर बात करिए। वो आपकी दर्द की तीव्रता और आपकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको ऊपर से और कुछ इंजेक्शन या गोलियां भी प्रिस्क्राइब कर देंगे। सिजेरियन ऑपरेशन के दूसरे दिन दर्द की तीव्रता बहुत कम हो जाती है, पेशेंट काफी कंफर्टेबल महसूस होने लगता है, आपका हॉस्पिटल स्टे अनइवेंटफुल रहता है, उसमें और कोई अन्य कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं तो आपके डिस्चार्ज यानी कि छुट्टी के पहले आपके डॉक्टर
सिजेरियन ऑपरेशन के तकरीबन चौथे दिन फिर आपकी पट्टी खोलकर चेक ड्रेसिंग करती है। चेक ड्रेसिंग यानी कि पट्टी खोलकर डॉक्टर स्वयं निरीक्षण करके देखते हैं कि आपके टाकों में कोई उनको दिक्कत तो समझ में नहीं आ रही है, टाके ठीक तरह से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, कहीं कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज यानी कि कोई अबनॉर्मल स्त्राव तो नहीं हो रहा है, जैसे उसमें से पानी तो नहीं निकल रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या मवाद तो नहीं हो रहा, कोई इन्फेक्शन के अन्य कुछ लक्षण तो समझ में नहीं आ रहे हैं। और अगर आपके डॉक्टर संतुष्ट हो जाते हैं कि आपकी स्टिच लाइन हेल्दी है, उसमें कोई भी अबनॉर्मल डिस्चार्ज या कोई भी अन्य कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आते हैं, तो उसके बाद आपको दोबारा पट्टी कर दी जाती है और एक वाटरप्रूफ बैंडेज लगाने के बाद आपकी छुट्टी कर दी जाती है। वाटरप्रूफ बैंडेज इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर आप घर जाके नहाते भी हैं तो भी अगर उस टाकू की जगह पर पानी पड़ जाए तो भी आपको कोई अन्य दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ये इंश्योर करने के लिए आपको वहां वाटरप्रूफ बैंडेज लगाकर फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। साथ ही साथ मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया था कि डिस्चार्ज के वक्त आपके डॉक्टर्स आपको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी देते हैं ताकि आपके जो स्टिचेस हैं ऊपर के स्टिचेस और इंटरनल स्टिचेस वो अच्छी तरह से हील अप हो जाए। साथ ही साथ आपको दर्द निवारक गोलियां भी दी जाती हैं और अन्य गोलियां भी दी जाती हैं जिससे कि आपका हीलिंग और रिकवरी प्रोसेस फास्ट हो जाए, यानी कि जल्दी से जल्दी आपके स्टिचेस हील अप हो सके। साथ ही साथ डिस्चार्ज के वक्त आपको सख्त तौर पर ताकीद दी जाती है कि आप ऑपरेशन के आठवें दिन यानी डिस्चार्ज होने के बाद तकरीबन 4 से 5 दिन बाद अपने डॉक्टर से जाकर दोबारा अपने स्टिचेस का निरीक्षण अवश्य करवाएं और सिजेरियन डिलीवरी के 8 दिनों उपरांत फिर आपके टाकों को निरीक्षण करके उनको खोल दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि जब सिजेरियन ऑपरेशन के 8वें दिन आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब आपके स्टिचेस के रखरखाव कैसे किया जाता है। उस समय आपके डॉक्टर्स आपको लिटाकर फिर आपकी पट्टी खोल देते हैं और एक बार फिर से अच्छी तरह से निरीक्षण करके देखते हैं कि आपकी स्टिच लाइन हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, उसमें कोई इन्फेक्शन की संभावना तो नहीं दिख रही है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई पानी का डिस्चार्ज या मवाद का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। अगर उनको लगता है कि टाके अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं, कोई भी और अन्य कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आते हैं, तो अब्सॉर्बेबल सूचस यानी कि घुलनशील टाकों को होने की स्थिति में जो 2 गठाने होती हैं या तो उनको यूं ही छोड़ दिया जाता है, वो अपने आप ही टूट कर गिर जाती है या फिर उनकी गठानों को काट दिया जाता है। उसके उपरांत अगर आपके डॉक्टर सेटिस्फाइड होते हैं तो आपके टाकों की जगह को यूं ही खुला छोड़ देते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ। और दूसरी तरफ अगर आपको नॉन अब्सॉर्बेबल यानी कि अघुलनशील टाके लगाए गए थे तो एक बार आपकी स्टिच लाइन को एग्जामिन करा जाता है और फिर एक एक टाके को निकाल के देखा जाता है कि आपकी स्टिच लाइन अच्छी तरह से जुड़ गई है कि नहीं और उसमें अन्य कोई दिक्कतें तो समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन दोनों ही स्थिति में ऑपरेशन के तकरीबन 8 दिन बाद अक्सर ही आपके टाके निकाल दिए जाते हैं। ऑपरेशन के 8वें दिन जब आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अपनी स्टिच केयर को लेकर, बच्चे को लेकर, अपनी खुद की सेल्फ केयर को लेकर आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं। और इस दौरान फिर आपके डॉक्टर्स आपको जो छुट्टी का कार्ड होता है उसमें आपको कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ दर्द निवारक गोलियां दे सकते हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य दवाइयां देते हैं जिससे कि आपके जो स्टिचेस हैं वो जल्दी हील हो सके, रिकवरी फास्ट हो सके। और इसके अलावा आपको आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन सप्लीमेंटेशन तकरीबन अगले 3 महीने तक लेने की सख्त ताकीद दी जाती है जिससे कि आपकी बॉडी को बराबर न्यूट्रिशन, बराबर पोषण मिले, साथ ही साथ आपके जो टाके हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। इसके बावजूद भी कुछ पेशेंट्स का संशय रहता है, सवाल रहता है कि मैडम हमें तो दर्द अभी तक बना हुआ है, तो चूंकि ये आपका ऑपरेशन हुआ, एक छोटी सी उंगली कटने में भी उसको घाव भरने में भी समय लगता है, पेट काटकर ऑपरेशन करा गया, अंदरूनी तौर पे भी चीरा लगाया गया है, तो इन टाकों को भरने में तकरीबन 3 हफ्ते से लेकर अगले 6 महीने तक का समय लग सकता है। इस दौरान धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, दर्द की तीव्रता नाम मात्र की रहेगी, उतना दर्द आपको मानसिक तौर पर सहने के लिए तैयार रहना चाहिए है। इसके बावजूद अगर किसी भी क्षण किसी भी वक्त आपको लग रहा है कि आपकी दर्द की तीव्रता बढ़ रही है या आपको अपनी स्टिच लाइन हेल्दी समझ में नहीं आ रही, उसमें किसी भी प्रकार का पानी का मवाद का या खून का डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस बाबत अपने डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करें और उसे जाकर स्टिच लाइन का निरीक्षण अवश्य ही करवाएं। घरेलू उपाय कुछ भी अपनाने की बजाय जाकर सीधे अपने डॉक्टर से मिले और उनके कहनुसार ही फिर स्टिच का रखरखाव करें और उनके कहनुसार ही फिर दवाइयां लें। दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर ही कमेंट बॉक्स में उभर कर सामने आता है कि मैडम स्टिच लाइन पर हमें कड़ापन है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल ही, ये भी नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का ही एक स्टेप होता है और कुछ केसेस में कड़ापन हो सकता है, कुछ केसेस में कड़ापन नहीं होता, और अगर कड़ापन होता भी है तो वो स्वतः ही धीरे धीरे करके अगले 6 महीने से लेकर 1 साल में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा जब वहाँ आपकी इंटरनल स्टिचेस पूरी तरह से हील अप हो जाती हैं। अगला सवाल होता है कि मैडम हमें स्टिच लाइन पर इचिंग यानी खुजली हो रही है, तो किसी भी घाव के भरने में इचिंग होना, खुजली होना उस घाव के हील होने की एक निशानी होती है, तो इस बारे में अनावश्यक चिंताएं बिल्कुल भी ना पालें।
एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि कभी कभी कुछ लोगों में टाकू की हीलिंग बहुत ही बदसूरत स्वरूप में होती है, वहां एक बड़ा सा काला धब्बा निशान सा बन जाता है जिसको हमारी डॉक्टरी भाषा में किलॉइड का नाम दिया जाता है। तो अगर किसी भी वजह से किसी भी पेशेंट को इस तरह का कोई किलॉइड फॉर्मेशन हो गया है तो आप अपने सर्जन से जाकर बात कर सकते हैं, और जरूरत समझ पे आने पर अगर वो बहुत ही ज्यादा स्थिति बदसूरत सी नजर आ रही है तो उस एरिया को काट कर दोबारा अच्छी तरह से उस एरिया को स्टिच कर दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक पर्पज से ही होता है, किसी और भी वजह से इसको चिंता बिल्कुल भी ना पाले। अब हम वीडियो में इस पड़ाव पे बहुत ही संक्षेप में टाकू के रखरखाव से संबंधित कुछ डूज एंड डोंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डूज यानी कि आपको क्या करना चाहिए, डोंट्स यानी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए टाकू के रखरखाव से संबंधित। डूज में सबसे पहले ये कहूंगी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो न्यूली डिलीवर्ड मदर है, उसको सबसे पहले तो पूरी तरह से पोषण मिलना चाहिए है। बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि पूरा भरपेट खाना मिलना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी दूध फल सब कुछ मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी परहेज ना कराए, खाने में नमक भी दें, चावल भी दें, गुड़ सोड के लड्डू भी दें। जब आपको पोषण अच्छी तरह से मिलेगा तभी आपके टाकू की रखरखाव अच्छे से होगा और टाकू की हीलिंग फास्ट हो पाएगी। कुछ घरों में माँ और सासें उनको भरपूर खाना नहीं देती हैं, उनकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं बरसों से। ऐसी स्थिति में अगर वो मरीज को पूरा खाना नहीं दे रही हो तो कई बार मैं माँ और सासों को समझा देती हूँ कि अगर टाकों में कोई भी दिक्कत हुई तो इसकी जवाबदारी फिर आप पर होगी। तो यहाँ फिर से मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप पूरा पोषण नहीं ले रहे तो टाके ठीक नहीं होने पर पूरी जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आपके डॉक्टर की बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, भरपूर मात्रा में पेय पदार्थ लें, 8-10 ग्लास पानी रोजाना लें। साथ ही साथ आप कुछ अन्य इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स ले सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं या कुछ एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हैं, नींबू पानी नमक और शक्कर डालकर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, फल का जूस ले सकते हैं, कोई भी मौसमी फल लीजिए। इस सबसे आपको पोषण मिलेगा, साथ ही साथ आपको एनर्जी भी बराबर मिलेगी। इसके अलावा 7-8 घंटे की नींद, भरपूर नींद अवश्य ही लेने की कोशिश करें। जब भी आपका बेबी रेस्ट कर रहा है उस समय आप भी नींद लेने की कोशिश करें, तनाव रहित रहने की कोशिश करें, इस सबसे आपकी हीलिंग फास्ट होने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जब आपके टाके निकल जाते हैं 8वें दिन के उपरांत, उस दिन के बाद से तो आप बराबर ही निश्चिंत होकर आराम से नहा सकते हैं। कभी कभी तो डॉक्टर आपको छुट्टी के वक्त ही कह देते हैं कि आप अब नहा सकते हैं, वाटरप्रूफ बैंडेज लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डर है तो जब आपके टाके निकल जाए, जब आपके डॉक्टर संतुष्ट है कि आपकी स्टिच लाइन हेल्दी है, तो आप निष्फिक्र होकर कुंकने पानी से नहा सकते हैं। उस एरिया को थपथपाकर धीरे से सुखा कर रखें, बस ये निश्चिंत करें कि वो जो स्टिच लाइन है वो एरिया सूखा रहे। और इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ ट्यूब या पाउडर दिया है एंटीबायोटिक पाउडर वहां पर डालने के लिए, तो वहां पर स्टिच लाइन पर बराबर वो एंटीबायोटिक पाउडर भी डालते रहें, लेकिन नहाना छोड़ें बिल्कुल भी नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं डोंट्स के बारे में, क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं बार बार ये भी बता चुकी हूँ कि आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना चाहिए, कब्ज को अवॉइड करना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा फाइबर युक्त आहार लें, भरपेट खाना लें, नहीं तो अगर आपको कब्ज की समस्या होगी तो आपके टाकों पर जोर पड़ सकता है। दूसरी बात, अपने बच्चे को तो आप आराम से उठा सकते हैं, लेकिन अगले 6 महीने तक कोई भी भारी वजन, जैसे कि कोई भारी संदूकची या भारी बाल्टी, ये सब उठाना टोटली अवॉइड करें। तीसरी बात, अगले 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने तक इंटरकोर्स को टोटली अवॉइड करने की कोशिश करें, जब तक कि आपके टाके अच्छी तरह से हील अप ना हो जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने सिजेरियन डिलीवरी के बाद टाकों की रखरखाव से संबंधित बहुत ही डिटेल में चर्चा करी। अगर आपके इसके बावजूद भी अगर कुछ सवाल बचे रह गए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे एक बार जरूर पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसको भी कवर अप करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो ध्यान से इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों परिचितों रिश्तेदारों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करके स्वास्थ्य जागरूकता में अपना योगदान देना बिल्कुल भी ना भूलें। और हेल्थ डाइट और फिटनेस से जुड़ी विश्वसनीय मेडिकल जानकारी एक डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में किसी वजह से अपना सवाल पूछने में हिचकिचाते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर आप DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहीं पर आपका जवाब देने की कोशिश करूंगी। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में आपके कुछ ऐसी सवालों के जवाब के साथ। तब तक आप सबसे विदा लेते हैं, तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ।